हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो देखो भाई, तुम लोग हो बहुत ज़्यादा लालची लोग। क्यों लालची बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि तुम लोग इस थंबनेल को देख के मेरे माया जाल में फंस के इस वीडियो को देखने आ गए हो। तुम लोगों को क्या लगता है सच में कि मैं एक क्वेश्चन के चार आंसर में से कौन सा आंसर सही है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी फॉर्मूला लगाए ऐसे ही बता सकता हूँ? मैं थोड़ी बाबा बाबा थोड़ी हूँ भाई साहब, लेकिन मैं कुछ ट्रिक्स बता सकता हूँ जो कि सही करा सकते हैं तुम्हारे जो है आंसर को। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जो है कोई भी वो नहीं होगा, क्या नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के टर्म वन के एग्जाम में तुम्हारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो गलत भी होगा तो नेगेटिव में नहीं जाएगा, इसलिए कोई नुकसान नहीं होना है तुम्हारा। तुम तो वैसे भी उस क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे क्योंकि तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन नहीं आता है फिर भी अप्रोच कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ला सकते हैं उस क्वेश्चन को सही करने में, ये मैं बता सकता हूँ तुमको। अच्छा ठीक है भाई, बता दे यार, कुछ तो बता दे यार, है ना? तो चलो बताते हैं। आंसर नहीं आता फिर भी अपने को जो है उस क्वेश्चन को राइट प्रूव करना है या टिक करना है। तो देखो, दो चीज़ें याद रखना। सबसे पहले, इन्फॉर्मेशन इज़ द किंग, ठीक है। जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होगी उतने ज़्यादा तुम पॉजिटिव साइड में रहोगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो ये तो नहीं है, इस वीडियो को देखने आए हो तो ये नहीं है मान लेते हैं, थोड़ी बहुत ही है ये मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर सही आंसर नहीं पता तो गलत आंसर ढूंढो, ठीक है। क्या? ट्राई टू फाइंड रॉन्ग आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए अब रॉन्ग आंसर कैसे ढूंढना है मैं इन तीन क्वेश्चन में बता देता हूं। तो चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन देन बॉडी बिकम्स, सबसे पहला है न्यूट्रल, सेकेंड है डोंट लूज एनी चार्ज, तीसरा है लूजेस होल ऑफ द चार्ज, चौथा है लूजेस पार्ट ऑफ अ चार्ज। तो देखो भाई, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है? व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, अगर अपन किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चार्ज लूज क्यों करेगा? हैं, ये तो फैक्ट की बात है ना। मैं किसी चीज़ को चार्ज, जैसे मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ, तो क्या ये चार्ज लूज करेगा क्या? नहीं, मैं चार्ज दे रहा हूँ इसको तो ये क्यों लूज करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ लूज वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग है और फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रल, दूसरा है डोंट लूज एनी चार्ज। अब दोनों में से एक को मार रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 50-50% की, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो सही होगा। तो न्यूट्रल भी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को चार्ज दे रहा हूँ तो न्यूट्रल ही रहेगा क्या वो चार्ज, है ना? तो न्यूट्रल भी नहीं हो सकता। तो सेकेंड वाला आंसर सही होता है, डोंट लूज एनी चार्ज, वो कोई चार्ज लूज नहीं करेगा, भले लेगा चार्ज, है ना? ये सही ऑप्शन है, ऐसे करके अपने को एलिमिनेट करना है। चलिए इसमें और समझा देते हैं क्या है। When some charge is transferred to it, readily gets distributed over the entire of A. मतलब A जो है, कोई बॉडी है, उसमें अगर चार्ज दिए तो वो चार्ज पूरा फैल गया A में, ठीक है। If some charge is put in B, B कोई और दूसरा बॉडी है उसमें चार्ज दिए, तो जहाँ पे चार्ज दिए हैं वो इट स्टेज एट सेम प्लेस, वो उसी जगह पे है, ठीक है। हियर A एंड B इज, A और B क्या क्या चीज़ें हैं ये देखो। मेरे को कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन मेरे को एक फैक्ट पता है, क्या? कि जब भी अपन कंडक्टर में चार्ज देते हैं तो वो पूरी की पूरी जगह फैल जाता है। तो ए तो कंडक्टर है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ए पे चार्ज दे रहे हैं तो पूरा फैल जा रहा है। तो कंडक्टर, फर्स्ट वाला कंडक्टर, ये पहला इंसुलेटर है, नहीं पहला, हाँ ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए वाला कंडक्टर जो है वो सेकंड में है और फोर्थ में है, ठीक है। दूसरा वाला कंडक्टर तो नहीं है, क्योंकि जब उसको चार्ज दे रहे हैं तो वो सेम प्लेस पे है, ठीक है। तो कंडक्टर फर्स्ट में, सेकंड में इंसुलेटर, दूसरे फोर्थ में कंडक्टर, और कंडक्टर तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। ए कंडक्टर है लेकिन बी कंडक्टर नहीं है, तो अपने को पता चल गया कि सेकंड वाला आंसर है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अमंग टू डिस्क ऑफ ए एंड बी, फर्स्ट हैव रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड चार्ज 10^-6 माइक्रोकूलम, ठीक है, और सेकेंड हैव रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड चार्ज 10^-5 माइक्रोकूलम। व्हेन दे टचड ईच अदर, चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी इज, देखो एक कोई डिस्क है 10 सेंटीमीटर का, एक 30 सेंटीमीटर का, दोनों का अलग अलग चार्ज है, दोनों को मिलाए, ठीक है, मतलब दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिए। अब उनका चार्ज क्या होगा?
तो मेरे को तो नहीं पता यार उनका चार्ज क्या होगा, लेकिन मेरे को एक फैक्ट पता है कि चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जब उन दोनों को मिलाऊंगा मैं तो क्यू ए और क्यू बी का चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएगा। हाँ तो क्या यहाँ क्यू ए और क्यू बी इक्वल दिख रहे हैं? नहीं। यहाँ क्यू ए और क्यू बी इक्वल दिख रहे हैं? नहीं। क्या यहाँ क्यू ए और क्यू बी इक्वल दिख रहा है? हाँ, बिना कैलकुलेशन के ले आ गया तेरा आंसर। ठीक है, बस इस प्रकार से यार तुम इससे सारे क्वेश्चन तो सही नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तुम सही कर जाओगे इससे। ठीक है, होप कि ये वीडियो ठीक लगा होगा, और ज़्यादा लालची मत बना करो यार, ये सब इन सब टाइप की वीडियो में ज़्यादा क्लिक व्लिक मत किया करो कि ठीक है ये आंसर कर दो ऐसा बता दूंगा बिना इन्फॉर्मेशन के तुम्हारा जो है आंसर सही हो जाएगा, ये सब कभी वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये तरीका हमेशा वर्क कर जाता है कि रॉन्ग आंसर फाइंड करने वाला। ठीक है, होप ये वीडियो सही लगा होगा। ठीक है, तुम लोग को बना नहीं रहा हूँ यार, तुम लोग क्या अपने लोग है ना, किसी को बनाना नहीं चाहिए ऐसे। ठीक, तो होप ये वीडियो सही लगा होगा।